आप भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं क्या? आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे कौन से मसल टाइटन अप हो जाते हैं? फेस पे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, लेकिन कहाँ होता है और कैसे होता है? अस्सलामुअलैकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने पीछे बहुत सी वीडियोस बनाई स्ट्रेस के ऊपर, एंगजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, पैनिक अटैक्स के ऊपर, ओसीडी के ऊपर, बहुत चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई, जिसके वजह से मैंने आपको अवेयर किया, उनके सिम्टम्स बताए, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पता चले है कि नहीं है, उसको कैसे टेस्ट किया जाए, मैंने वो आप लोगों को बताया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है, तो हमें फेस के ऊपर कहाँ सबसे ज़्यादा जो है टाइटन हमारे मसल हो जाते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा दर्द फील होता है, या कहाँ हमारे मसल ज़्यादा टाइटन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी मुश्किल फेस करने को मिलती है। और उसके बाद से मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप सिंपल आपको मसाज टिप्स दूँगी जिससे आप जो है उसे सही कर सकते हैं एंड जो कह लें स्ट्रेस होता है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पिछली वीडियोज़ में बताया था, एक एक्यूट स्ट्रेस होता है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। आई होप आपको उसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके बिल्कुल अच्छी तरह देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ क्लियर किया। तो बात कर लेते हैं आप स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो है उसको ज़हनी दबाव भी कहा जाता है, और जब हम ज़हनी दबाव के अंदर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। और फैक्ट्स के हवाले से ये बताया गया है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो हर किसी ने, दुनिया के अंदर हर एक इंसान ने जो है स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया है। हाँ, अब ये बिल्कुल अलग बात है कि क्रॉनिक स्ट्रेस या एक्यूट स्ट्रेस, ठीक है, जो छोटे स्ट्रेस हैं वो तो डेली लाइफ में भी बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हो सकता है आपने भी किया हो। और जो छोटे स्ट्रेस हैं उसके हवाले से, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्क्राइब किया था छोटे स्ट्रेस क्या होते हैं, वो कोई चीज़ घूम गई या किसी चीज़ का प्रेशर आया आपके ऊपर, तो वो जो है कहने ख़त्म हो सकता है, वो 1 से 2 वीक उसका मैक्सिमम होता है, वरना इससे कम देर में खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आपकी कोई चीज़ गुम गई है, आपको स्ट्रेस आ गया कि नहीं यार मुझे वो ढूंढनी है, बहुत ज़्यादा अंदर बेचैनी हो रही है, ज़हनी दबाव हुआ है, तो आपको वो छोटे टाइम के लिए स्ट्रेस हुआ और आपको वो चीज़ मिल गई और फिर आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप जो है ये इसको छोटा स्ट्रेस कहा जाता है। जो बड़े स्ट्रेस होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं ना, वो उनके साथ कह लें एसोसिएशंस भी होती हैं और बड़े कह लें चीज़ों की वजह से होती हैं। जैसे कि अगर किसी कोई फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं है, हो सकता है उसके हवाले से उसे बहुत देर तक स्ट्रेस रहे, किसी के रिलेशनशिप्स नहीं सही, उसके वजह से बहुत देर तक स्ट्रेस रहे। इसकी मैंने मुकम्मल तफसील अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स बहुत से लोग जो हैं फेस कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमारे फेस के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दर्द महसूस होता है, या हमारे मसल्स सबसे ज़्यादा कहाँ टाइटन अप हो जाते हैं, मसल्स कहाँ टाइटन अप हो जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को 5 बताऊँगी, मेन आपको 5 बताऊँगी। जब आपको बहुत रोना आया हो, या फिर आप बहुत गुस्से में हो, या जब आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप ये नोट कीजिएगा अपने फेस के ऊपर खुद कि आपको कहाँ सबसे ज़्यादा फील हो रहे हैं टाइटन अप अपने मसल्स। तो मैं आप लोगों को सिंपली बताती हूँ। सबसे पहले जॉस, क्या जॉस के ऊपर आपको फील हो सकता है अपने प्रेशर, या जो आपके मसल हैं टाइटन अप। जैसे आप कभी बहुत रोना आ रहा हो ना, तो आप देखना आपके जॉस जो होते हैं उनमें आपको दर्द होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो जो होते हैं वहाँ आपको क्या फील होना शुरू हो जाता है, कुछ दर्द वगैरह, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइटन अप सा है, या आपको वहाँ जो है जकड़ा जकड़ा सा लगता है। तो इसीलिए वहाँ जब आपको फील हो तो आप सिंपली उधर 2 से 3 दफ़ा मसाज कर लीजिए, ठीक है, और जब तक आपको सही ना हो तब तक मसाज जो है उसको कर लीजिए। जॉस के ऊपर आपको फील होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फोरहेड के ऊपर फील हो सकता है। कहाँ? फोरहेड के ऊपर। जी हाँ, फोरहेड के ऊपर भी फील हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा दिमाग यहाँ पे होता है, जब हम एग्जॉस्टेड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो यहीं वो सारा जो दिमाग के 80% खून है हमारी बॉडी में जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ भी फील कर सकते हैं, अपने फोरहेड के ऊपर भी फील कर सकते हैं अपने मसल्स जो है टाइटन। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भी बताई थी टेक्निक, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप सिंपली जो है ना ये कर सकते हैं कि अपनी ये 4 फिंगर्स लेके अपने फोरहेड से लेकर अपने यहाँ टिम्पल्स तक जो है अच्छी तरह से प्रेशर के साथ जो है मसाज करें, ठीक है। 4 फिंगर्स लेके, थंब नहीं, 4 फिंगर्स लेके यहाँ सेंटर से स्टार्ट कीजिए और ज़ोर से प्रेस करते हुए अपने टिम्पल्स तक इसको जो है मसाज कीजिए, और आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। मैंने आपके साथ 2 शेयर किए अभी, एक हो गया जॉ और एक हो गया फोरहेड। उसके बाद आपको जहाँ फील हो सकता है वो है आइस के इर्द गिर्द। जी, आइस के इर्द गिर्द, वो यहाँ भी हो सकता है आपको, ठीक है, या आपके आइस के यहाँ, देन आपको आईब्रोज के यहाँ भी फील हो सकते हैं, यहाँ भी फील हो सकता है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली फील तो हो रहा है लेकिन इसे सही कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ। आप सिंपली मसाज कीजिए, आप जो है ये थंब है आपका, ठीक है, इसको रखिए अपनी आइज़ के यहाँ बिल्कुल अंदर वाली साइड पे, ठीक है, यहाँ रख
कि इसको ऐसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए अपने टिम्पल्स तक, ठीक है, यहाँ से लेकर अच्छी तरह प्रेशर के साथ आपने जो है मसाज करना है, ठीक है, और इसको जो है 2 से 3 दफ़ा करिए, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 मिनट तो आप आराम से करिए इसको मसाज, ठीक है। क्या होगा इसे करने से, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, जब आप इसको करेंगे ना तो यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जो ब्लड रुक गया था, जैम हो गया था, वो दोबारा से सर्कुलेट करना शुरू करेगा, और जो यहाँ आपके मसल टाइट हो गए थे, टेंस्ड हो गए थे, वो दोबारा से खुलना शुरू होंगे, और आपकी जो ये चीज़ें टाइटन थी या जहाँ आपको दर्द हो रहा था या जहाँ आप टेंस्ड फील कर रहे थे, वो आपको बेहतर नज़र आएगा, बेहतर फील होगा आपको अंदर से, और आप जो है इसके हवाले से बेहतर फील करेंगे, ठीक है। तो आपको आइस के गिट फील हो सकता है, ठीक है, तो आप नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो आप उसको मसाज कीजिए, ठीक है। वैसे तो ये थंब से लेकर ऊपर अच्छी तरह मसाज कीजिए अपने टिम्पल्स तक, एंड अगर आपको नीचे भी हो रहा है, वैसे तो कम होता है, लेकिन अगर आपको नीचे भी हो रहा है तो इंडेक्स फिंगर लेके इसको यहाँ ऐसे करके अच्छी तरह से मसाज कीजिए प्रेशर के साथ जोर से, ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेट जो है सही से हो, लेकिन ज़्यादा जोर का भी मत कर लीजिएगा, उतना जितना आप सह सकते हैं, ठीक है। देन हो सकता है आपको नोज़ के इर्द गिर्द, कहाँ, नोज़ के इर्द गिर्द, जी हाँ, ये हमारी नोज़ होती है ऑब्वियसली, और जब हम टेंस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो आपको इसके इर्द गिर्द भी जो है कहने फील हो सकता है स्ट्रेस, या आपके मसल्स टाइटेंड आप जब होते हैं तो यहाँ भी हो सकता है और आपको फील हो सकता है, मोस्ट ऑफ लोगों को फील होता है, मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ लोगों को फील होता है अपने नोज़ के यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी फील हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ आपको फील हो आप वहाँ नोट कीजिए कि जब आप स्ट्रेस में हो आपको कहाँ फील हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ क्या कीजिए, जब आपको पता चल जाए कि मुझे यहाँ फील हो रहा है, वहाँ आप दोबारा हल्का से मसाज कर लीजिए, अपनी ये 2 फिंगर्स लेके यहाँ जो है नॉर्मल ऐसे करके मसाज कर लीजिए, ठीक है, और थोड़ा प्रेशर के साथ, ताकि यहाँ जो मसल्स हैं वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल हो जाए और टेंस डाउन, ठीक है। और यहाँ, वरना यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ का तो है, अगर आपको यहाँ फील हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए, और अगर आपको अपने नोज़ की यहाँ भी फील हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 2 फिंगर्स लें, एक मिडिल फिंगर, एक इंडेक्स फिंगर, और यहाँ से ऐसे अच्छी तरह मसाज कर लें, ठीक है, प्रेशर के साथ ऐसे कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह जो है आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको आखिरी बता दूँ, शायद आपको लगे कि ये क्या है, ये बाकी में यहाँ भी होता है, मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपको चीक्स के ऊपर भी फील हो सकता है, जी हाँ, आपको स्ट्रेस चीक्स के ऊपर भी फील हो सकता है। मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी और टेक्निक बताई थी आपको, जो स्पेशली डोना एडन ने बताई थी, जो कि इस फील्ड में गुरु मानी जाती हैं, तो उन्होंने जो है ये बताई थी कि जब आपको चीक्स पे स्ट्रेस फील हो ना, या फिर आप ज़्यादा वैसे स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आप जो है ये करिए कि 4 फिंगर्स लीजिए अपने नोज़ से लेकर पूरे चीक्स तक प्रेशर के साथ एंड तक जो है मसाज करें, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। तो अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जॉस पे आपको दर्द हो सकता है, वहाँ आप मसाज कर लीजिए ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए एंड प्रेशर से, ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही हो, और ब्लड सर्कुलेशन सही होने के साथ साथ जो है आपके वहाँ जो मसल्स टेंस हैं वो भी खुलें। देन आपको हो सकता है अपने फोरहेड पे भी, मैंने आपको बता दिया कैसे 4 फिंगर्स के साथ आपने अपने टिम्पल्स तक प्रेशर के साथ मसाज करना है। देन आपको अपने आँखों के आइस के इर्द गिर्द जो है हो सकता है फील, और आपको मैंने वहाँ भी बता दिया, अगर ऊपर है तो थंब से लेकर अच्छी तरह भी टिम्पल्स तक मसाज करना है आपने, और फिर अगर आपको यहाँ नीचे फील हो रहा है तो इंडेक्स फिंगर से ऐसे अच्छी तरह मसाज कर लीजिए। देन नोज पे अगर आपको फील हो रहा है अपनी यहाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी यहाँ से जो है के लिए प्रेशर डाल के जो है थोड़ा सा यहाँ मसाज कीजिए, और अगर आपको यहाँ फील हो रहा है तो ऐसे करके जो है मसाज कीजिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको चीक्स पे फील हो रहा है तो अपनी 4 फिंगर्स लेके ऐसे करके एंड तक इसको जोर से प्रेशर के साथ जो है मसाज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।